हम परदेसी फकीर का दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर का दिन याद करोगे। और संत वृंद और भैया बहना, संत वृंद और भैया बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक के माफी देना। मैंने आपका यहाँ कथा वाचन किया, किसी माता को भागवत की मर्यादा रखते हुए डांटा भी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा कोई मंतव्य नहीं है, हम लोग तो भगवान के दास है, गोविंद की चर्चाओं को करते हैं और चले जाते हैं। आज तक मेरा आपका संबंध था वक्ता और श्रोता का, यह संबंध यहाँ पर विराम लेता है। अब मेरा आपका कोई संबंध नहीं, ना आप मुझे जानते ना मैं आपको जानता हूँ। हम परदेसी फकीर का दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर का दिन याद करोगे। और 51 रुपए हरिओम नगला रंजीत, भगवान की कथा में बैठ करते हैं, भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। संत वृंद और भैया बहना, संत वृंद और भैया बहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक के माफी देना। मेरो अवगुण भरो शरीर का दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काउ दिन याद करोगे। देखो रविंद्र ने और धर्मपत्नी कमलावती ने इस कथा को करवाया, बड़ी हमारी सेवा करी, भगवान का नाम कभी बेचा नहीं जाता है। कथाएं ना कोई बड़ी होती है सज्जनों, ना कथाएं छोटी होती है, व्यवस्थाएं बड़ी हो जाया करती हैं और व्यवस्थाएं छोटी हो जाया करती हैं। सिर्फ व्यवस्थाओं की बात है, कथा कोई बड़ी छोटी नहीं होती। बहुत जगह हमने कार्यक्रम किया लेकिन यहाँ बहुत आनंद हमें आया, और सबसे बड़ा आनंद ये रहा कि हमारा यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। या पांडाल भी साउंड बजता रहा तो हम तो लोग वहाँ दुमरी में रुके हुए थे, बड़े आनंद के साथ में 7 दिन आश्रम की तरह कट गए, वो भी आश्रम की तरह में रहा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी। और एक मैं निवेदन करूं, हमारे रविंद्र के जो भैया हैं, बड़े भैया, किसी बात को लेकर के मनमुटाव तो हो ही जाता है सज्जनों। हम नर हैं, वो नारायण है, नारायण में नहीं होता, नरों में तो हो ही जाता है सज्जनों। चाहे वो आश्रम में झगड़ा हो या परिवार में झगड़ा हो, बर्तन होते हैं तो खटकते ही रहते हैं। तो मेरे आने से पहले सब लोग अलग अलग थे और मेरी बात को इन्होंने माना, सब एक कहने पर, एक बार के कहने पर पांडाल में आ गए। जोरदार या तालियां बजा करके इन सभी भक्तों का, इन भाइयों का स्वागत करेंगे। युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, दया करे तुम पे गिरधारी, दया करे तुम पे गिरधारी, कृपा को करें रघुवीर का दिन याद करोगे, कृपा को करें रघुवीर का दिन याद करो। और देखो हमारे मुनिम जी और ये सत्यवीर सिंह के पिताजी, सब लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा चाहूंगा किसी का नाम व्यासपीठ से ही रह जाए। और हमारे प्रधान जी जो वर्तमान प्रधान जी हैं, खूब आनंद आया इन भक्तों को देख करके, अपने व्यस्ततम समय को निकाल करके, कीमती समय को निकाल करके कथा प्रांगण में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहे। जोरदार तालियां बजा करके हमारे सत्यवीर सिंह के पिताजी मुनीम जी और प्रधान जी का स्वागत करेंगे। और ये जो कथा करवाई, वैसे तो साधु का कोई रिश्ता नहीं होता पर शरीर का रिश्ता तो होता ही है, कहीं ना कहीं शरीर जुड़ा होता है, कोई ना कोई इसको पैदा करता है, भगवान तो नहीं आते यहाँ अवतरित करने। तो हमारे चाचा गोपाल जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और हमारी चाची विमला और हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, और ये सब हमारे मामा, ये सब मेरा वैसे ननियाला है यहाँ, हमारे पापा के चचेरे भाई हैं गोपाल जी, जिनकी यहाँ ससुराल है। और मैं इस गांव में उस दिन आया था जिस दिन उनकी शादी हुई थी, 22 साल पहले इस गांव में आया था कभी। उसके बाद में भगवान की कृपा भाई मुझे मौका यहाँ मिला। जोरदार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी चाची यहाँ बैठी हुई है और हमारे भाई मलकान सिंह जी हिमाचल नगरा से मेरे साथ में आए, उन्होंने ये कह दिया था
कि मुझे तुम्हारी कथा बहुत अच्छी लगती है और मैं वहीं चल के कथा सुनूंगा। हमारे गांव में हमारे चेलाओं की कथा हो रही थी तो नहीं सुना उन्होंने। जोरदार तालियां बजा करके दादा मलकान सिंह का स्वागत करेंगे। और सब मैया बहना हो तुम बैठी हो, मेरा क्या रिश्ता आपसे है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। एक बूंद लेकर के गुरुजी से मैंने आपके आंगन में परोसी और हमारे मुनीम जी पूरा सेवा दिया। सतवीर सिंह के पिताजी नाम नहीं जानता, और भी भक्त हैं हमारे भगत जी, सब ने खूब सेवा करी और मैयन ने बहुत सहयोग किया, समय पर यहाँ आ गई। जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाओ सब। और मैं निवेदन करूं, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, युग युग जीवे ये फुलवाड़ी, दया करे तुम पे बनवारी, दया करे तुम पे बनवारी, कृपा तो करे रघुवीर काऊ दिन याद करोगे, कृपा पर रे रघुवीर काऊ दिन याद करोगे। और देखो ये जो लाइव प्रसारण यहाँ पर चल रहा है, करुणा लाइव कथा आगरा, वीरेंद्र उर्फ वीरू जिन्होंने इस कथा को सीधा प्रसारण करके पूरे संसार में कथा को प्रसारित किया, और हमारा ये बेटा जिन्होंने आपकी सुंदर सुंदर छवि को कैमरा में कैद किया और वीरू के लिए ट्रांसफर कर दिया, वीरू ने संसार में उसको छोड़ दिया। जोरदार तालियां बजा करके इन बच्चों का स्वागत सम्मान। और हमारे साउंड वाले सोनू बेटा, देखो पहली बात तो मैंने आपसे ये कहूं कि ये साउंड वाले नहीं है, हमारा परिवार है, ये सब हमारा यही परिवार है, समझे। तो बेटा सोनू ने मधुर मधुर वॉल्यूम गिरा करके हम सबको मंत्रमुग्ध किया, एक जगह से दूसरी जगह आवाज को पहुंचाया। जोरदार तालियां बजा करके मेरे बेटे का स्वागत सम्मान। और आर्येंद्र और पंडित जी ये मेरे सहयोग के लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ रहते हैं। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत सम्मान, जिन्होंने वेद मंत्र बोल करके इस यज्ञ मंडप को सजाया और हमसे पहले आपके तार को भगवान से जोड़ा। और हमारे मास्टर जी गोपी मास्टर जी रामघाट से कीबोर्ड बजा करके हमें आनंदित किया। जोरदार तालियां बजा करके मास्टर जी का स्वागत सम्मान। और बेटा कन्हैया जिन्होंने ढोलक बजा करके कीबोर्ड की लय को लयबद्ध किया। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान। और बेटा जेपी एटा से जिन्होंने कीबोर्ड और ढोलक के बीच की जो दूरी होती है उसको भरने का काम मधुर मधुर झनकार देकर के किया। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान। और ये जो बच्चे हमारे साथ आए हैं, जो हमारी सेवा कर रहे हैं अजय, सब लोगों का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। क्षमा चाहूंगा किसी का नाम रह जाए। और बेटा सतवीर जिन्होंने बड़ी सेवा हमारी करी, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान। और अपने लिए भी बजाओ जोरदार तालियां। समय निकाल कथा में आए, समय निकाल कथा में आए, संत मुनिन के दर्शन पाए, संत मुनिन के दर्शन पाए, और संत मुनिन के दर्शन पाए, संत मुनिन के दर्शन पाए, मिटी है जग की पीर, मिटी है जग की पीर, काऊ दिन याद करोगे, हम परदेश फकीर काऊ दिन याद करो। और 101 रुपया अर्जुन यादव विदाई में भेंट कर रहे हैं, भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। और हमारे जो चाचा हैं उनका बेटा अर्जुन बड़ी सेवा करी, और ये निशा बेटी, निशा हमारी बहन नगला जलाल से अपने परिवार सहित बता रही है। जोरदार तालियां बजा करके इन सबका स्वागत सम्मान। करें प्रभु से यही विनती, करें प्रभु से यही विनती, मिलन हमारा हो फिर जल्दी, मिलन हमारा हो फिर जल्दी, यान नंगला रंजीत के तीर काऊ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर
रखाऊ दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर काऊ दिन याद करोगे। और निवेदन करें सबको सिया राम मेरी चलन की बेरा, सबको सिया राम मेरी चलन की बेरा। देखो वैसे एक दिन भंडारा तुम लोग सब मिलके खाओगे, हमने 7 दिन यहाँ भंडारा खाया तो अब मजबूरी है और आश्रम पे जाना बहुत जरूरी है सज्जनों। 21 रुपया मामा बालकृष्ण भगवान की इस कथा में भेंट करते हैं, भगवान भक्त की मंजिल की बात हमको दूर करे। सबको सिया राम हमारी चलन की बेरा, सबको सिया राम हमारी चलन की बेरा। गंगा जमुन दो बहना, जमुन दो बहना, गंगा जमुन दो बहना, जमुन दो बहना। रह रही एक संग हमारे चलन की बेरा, रह अब संग हमारे चलन की बेरा। और देखो माताएं 2 मिनट में आरती करवा दूंगा, 2 मिनट और बैठ जाओ, 7 दिन आपने बड़ा कीमती समय निकाला आरती और प्रसाद लेकर के जाए, अंतिम दिन की कथा है, बस 2 मिनट में मैं आरती करवा दूंगा, बैठ जाओ भैया। और 501 रुपया संचित अग्रवाल गजरोला अमरोहा उत्तर प्रदेश से पेटीएम द्वारा भिजवा रहे हैं विदाई में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, भक्त की मंजिल की बाधाओं को भगवान दूर करें। और है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी घड़ी, समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी, है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी। और देखो हमारे वर्तमान प्रधान जी राजपुर से प्रतिदिन भगवान को 500 रुपए भेंट दे करके इन्होंने आशीर्वाद लिया, मैं भगवान से निवेदन करूंगा इनकी मंजिल की बाधाओं को दूर करें और इनके हाथ में भगवान इतना धन दें कि इसी तरह से ये गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा जुड़े रहें। जोरदार तालियां बजा करके प्रधान जी का स्वागत सम्मान करें। समस्या बड़ी मुसाफिर गाड़ी घड़ी, है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी, है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी, है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी। और दो हमारे शिष्य नगला सड़क से पधारे, उनका भी स्वागत सम्मान और आरती प्रसाद लेकर के घर घर जाइयो। एक मैं प्रार्थना मैयन से कर लूं और भैयन से, जितनी बेटियां यहाँ कथा सुनने आई हैं उन सबसे मैं निवेदन करूंगा और जो लाइव टेलीकास्ट में हमें सुन रही हैं, कोई भी बेटी ऐसा काम ना करे जो पिता को समाज में गर्दन नीची करके चलना पड़े, तो मैं समझ लूंगा मेरी कथा सार्थक हो गई। ध्यान रखना, संकल्प लेके जाना। और 101 रुपया अशोक कुमार गोरखपुर से विदाई में दे रहे हैं, भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। और मैयन से निवेदन करूं मैयाओं, कोई ऐसा काम न करना जो तुम्हारे पति को नीचे नजर करके चलना पड़े, पति परमात्मा होता है पर पुरुष हमेशा भैया हुआ करता है, पिता हो सकता है लेकिन पति तो पति होता है, दो ही पति इस संसार में, एक परम पिता परमात्मा और एक पति, तो कोई ऐसी गलती मत करना तो मैं समझूंगा मेरी कथा सार्थक हुई। और भैया हो तुम भी कोई गलती मत करना, बराबर की बहन है तो बहन, छोटी है तो बेटी और बड़ी है तो माँ की दृष्टि में देखना। है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी, है समय की समस्या बड़ी, हम मुसाफिर हैं गाड़ी खड़ी, हम पाछी उड़ने वाले मत हमसे प्रेम बढ़ाना, हम पंछी उड़ने वाले हैं मत हमसे प्रेम बढ़ाना, हमसे प्रेम बढ़ाना भैया हमें भूल तुम जाना, मत हमसे प्रेम बढ़ाना भैया भूल हमें तुम जाना,
हम पक्षी उड़ने वाले मति हमसे प्रेम बढ़ाना। हम पक्षी उड़ने वाले हैं और हमसे प्रेम बढ़ाना। अब आरती में कोई भक्त तालियां नहीं बजाएंगे।